नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं छोड़ के मत जाइएगा। प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वनस्पतियां, पेड़ पौधे दे रखे हैं जो हमारी बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों में एक जड़ी बूटी है जो आपके ही आसपास पाई जाती है। बरसात के मौसम की प्रथम फुहार पड़ते ही ये ज़मीन से उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों इसके जो फल होते हैं वो कांटेदार होते हैं और इस तरीका से ये ज़मीन पर फैल करके चलती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से होता क्या है, मेरा मोटिवेशन अप होता है और मैं नई नई जानकारी आप तक पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, ये जो दिव्य औषधि पौधा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ है। ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने में सहायक करती है। गोखरू का फल, पत्ता और तना आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि यौन समस्याओं को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। दोस्तों चलिए हम इस गोखरू के फल और गोखरू के फायदे बताने से पहले हम इसका नाम जान लेते हैं। तो गोखरू को हिंदी में गोखरू या फिर इसको गोछरा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं कहीं इसको गोखरू, छोटा गोखरू या हाथी चिकार भी कहा जाता है। संस्कृत में इसको गोचरक, त्रिकंठ या गोकंटक के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। गुजराती में इसको वेटा गोखरू या नहान गोखरू के नाम से जाना जाता है। तमिल में इसको नेरिंजिल और तेलुगु में पाललेरू के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। दोस्तों बंगाली में इसको गोखरू और पंजाबी में वखरा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ये देखिए गोखरू के फल हैं, ये छोटा गोखरू है और छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू करके ये दो प्रकार का होता है। चलिए हम इसके गोखरू का कुछ फ़ायदे जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। गोखरू का जो काढ़ा है वो सिर दर्द में अच्छा काम करता है। आजकल के तनाव भरी ज़िंदगी में सिर दर्द की बीमारी का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने लगे हैं, इसलिए गोखरू का फल लीजिए और फलों को आप 10 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम में आप पाव भर पानी मिला करके उसको पका लें। जब 10 से 20 मिलीग्राम बचे तब इसको अगर आप सेवन करते हैं सुबह शाम, तो यह पित्त के बढ़ जाने के कारण जो सिर दर्द होता है उसे आसानी से लाभ दिला देता है गोखरू। गोखरू का चूर्ण दमा में अति लाभकारी है। दमा जिसे श्वास की बीमारी भी कहा जाता है, अगर आपको ये परेशान कर रही है तो गोखरू का सेवन इस तरह से करने पर दमे से जल्दी आराम मिलता है। कैसे? 2 ग्राम गोखरू का फल लें और फल को लेकर चूर्ण तैयार कर लें और उसमें आप 1 ग्राम अश्वगंधा भी मिला लें और 1 नंग सूखा अंजीर, यानी ये 3 औषधियाँ लेकर के और क्वाथ बना लीजिए। फिर सुबह और शाम उस क्वाथ को अगर शहद के साथ सेवन करते हैं तो फिर आप श्वास संबंधी बीमारी और दमे संबंधी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हाजमा को दुरुस्त करता है गोखरू का काढ़ा। ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ताज़ी औषधि मिली तो इसका रस सेवन करें, वरना इसका उखाड़ करके पंचांग और इसको छाया में सुखा लें। फिर सुखाने के बाद इसको अगर आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बना करके सुबह शाम सेवन करते हैं और उसमें काढ़े में आप 1 ग्राम पिपली का चूर्ण मिला देते हैं तो ये आपकी पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, शरीर ताकत देता है और ये हाजमा को दुरुस्त करता है, दस्त को भी रोकता है गोखरू। अगर मसालेदार खाना खाने के बाद दस्त हो रहे हैं या गर्मी के कारण दस्त लग रहे हैं, दस्तों के साथ में कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, तो ऐसे में आप गोखरू का फल ले लें 5 ग्राम। 5 ग्राम गोखरू का फल लें। अगर फल नहीं मिल रहा तो इन पत्तियों को पीस करके 2 चम्मच रस निकाल लें। रस का भी सेवन कर सकते हैं या फिर फलों का क्वाथ बना करके भी सेवन कर सकते हैं।
या फिर इन फलों को इकट्ठा करके आप इसका चूर्ण बनाइए, और चूर्ण को भी अगर आप सेवन करते हैं तो भी ये दस्त और दस्तों में होने वाले ब्लीडिंग यानी कि खून की कमी को दूर कर देता है। बस इसके रस या इसके चूर्ण को मट्ठे के साथ दिन में 2 बार अगर सेवन करते हैं तो अतिसार और आमातिसार में विशेष लाभ होता है। मूत्रकृच्छ या पेशाब संबंधी बीमारी में गोखरू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मूत्रकृच्छ की बीमारी में मूत्र संबंधी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते समय दर्द और जलन, रुक रुक के पेशाब आना, कम पेशाब आना आदि। ऐसी समस्या में गोखरू बहुत अच्छा काम करता है। आपको लेना है पंचांग, ये जो देख रहे हैं पत्ती फूल फल इन सभी को खाने से पंचांग कहलाता है। पंचांग लीजिए आप 5 ग्राम, 5 ग्राम पंचांग को 250 ग्राम पानी में आप इसको फुला दीजिए। रात भर फूलने के बाद सुबह पकाइएगा, जब 20 से 30 मिलीग्राम काढ़ा बचे तब उसको छान करके उतार लें, और उतारने के बाद उसको आप 125 मिलीग्राम उसमें यवक्षार या यवक्षार के अभाव में शहद मिला करके दिन में 2 बार सुबह और शाम खाली पेट सेवन करते हैं तो मूत्रकृच्छ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पतंजलि का जो गोखरू आदि चूर्ण आता है उसको भी आप सेवन करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ होता है। पथरी या अस्मरी में भी अच्छा काम करता है ये। अस्मरी यानी कि पथरी, गुर्दे की पथरी को निकाल फेंकने के लिए आप गोखरू दाना का चूर्ण साथ में आप मूली छार को प्रयोग करें, या फिर मूली को सुखा लें और सुखा करके चूर्ण बना लें, और साथ में गोखरू के पंचांग को या जड़ को या इसके फल को लेकर के सुखा करके चूर्ण बना लें, फिर मूली का चूर्ण और गोखरू के फलों का चूर्ण दोनों को मिला करके एक करें, सुबह शाम अगर गुनगुने जल के साथ सेवन करते हैं, दिन में 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द ये गुर्दे की पथरी को निकाल फेंकता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। तो देखा दोस्तों, ये आसपास मिलने वाला औषधि पौधा गोखरू आपके लिए जीवनदायक है, आपके लिए अमृत है। तो कहीं मिल जाए तो उखाड़ के मत फेंकिए, आप इसका प्रयोग करिए, अपनी बीमारियों को भगाने में इसकी मदद लीजिए। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।